कराची वाले होशियार, 31 मई तक हीट वेव का नया अलर्ट जारी, दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान, शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। बेटी मेरी आज रात को जाके मैंने दूध दिया है, दो महीने की बेटी मेरी रो रही थी, तीन चार दिन हो गए। बेटा एक मियाँ है नहीं हूँ, वो कमा के हमारे को दे मकान किराए का, वहाँ इधर आती है तो पानी नहीं मिलता, पानी इधर होगा तो ये देंगे ना, कहाँ से रोए कहाँ से पीटे, बहुत नहीं आती बस। बड़ा शहर, बड़े हल तलब मसाइल, कराची में निस्फ से जायद आबादी को पीने का साफ पानी मयसर ही नहीं, कहीं ये सोना जाया होता है तो कहीं लुटेरे अपना हिस्सा लूट लेते हैं। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। सिर्फ एक बंदे के खिलाफ इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा, मुशावरत के साथ कौमी तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, नवाज शरीफ का मुतालबा, जस्टिस रिटायर्ड नासिर उल मुल्क की बतौर निगरान वजीर आजम तायुनाती को सराहा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बेटी और दामाद के हमरा एहतसाब अदालत में पेश, कैप्टन रिटायर्ड सफदर रोस्टम पर मौजूद, बयान कलम बंद करा रहे हैं। मरियम नवाज की 11 बजे पंजाब हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया, मुल्की सलामती और सरहदी सिक्योरिटी सूरतेहाल पर बातचीत होगी, फाटा इस्लाहात बिल की मंजूरी के बाद अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। नाज़े किताब पर वजाहत के लिए असदुरानी की GHQ रावलपिंडी में तलबी, लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील, साबिक ISI चीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। खून की भारी कीमत देकर अमन हासिल किया, दुश्मन कुव्वतें कभी कामयाब नहीं होंगी, आर्मी चीफ का वाज़ह पैगाम, फाटा के कौमी धारे में शामिल होने से मुतासरा इलाके में तरक्की आएगी, यूथ जिरगे से मुलाकात पे गुफ्तगू। अमरीका में पाकिस्तान के नामजद सफीर वॉशिंगटन पहुंच गए, सिफारत खाने के आला हुकाम ने डैलस एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, अली जहांगीर सिद्दीकी आज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। निगरान वजीर आजम का कुरा, जस्टिस रिटायर्ड नासिर उल मुल्क के नाम निकल आया, यकुम जून को हल्फ उठाएंगे, आबाई इलाके सवात में जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिर। शरीफ और महमूद उर रशीद की तवील मुशावरत कामयाब, पंजाब में निगरान वजीर आला का ओहदा नासिर खान खोसा को मिल गया, खैबर पख्तूनख्वा सिंध और बलूचिस्तान वाले अभी तक उबूरी सेटअप तश्कील नहीं दे पाए। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असेंबलीज के 5 साल पूरे, वुज़रा और अरकान असेंबली सुबकदोश, वफाक
पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत की रुखसती 2 दिन बाद होगी। उबूरी सेटअप बनने तक वज़राए आला काम करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में बदनज़मी, नवाज शरीफ से मिलने की कोशिश पर कारकुन की धुलाई, थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश, कायद ने बाद में स्टेज पर बुलाकर गले लगाए। कहा है कि सिर्फ एक बंदे के खिलाफ इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा, मुशावरत के साथ कौमी तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए जिसमें अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट सबकी नुमाइंदगी हो। अहम मामला है कल जो GHQ में तलब किया गया असद दुर्रानी को, उससे मुतालिक बात करते हुए उनका कहना है कि सिर्फ एक तलबी एक इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा बल्कि कौमी तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए जिसमें अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट सबकी नुमाइंदगी हो। सियासतदानों को तंग नजर नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कहा उन्होंने। साथ ही नवाज शरीफ ने जस्टिस रिटायर्ड नासिर उल मुल्क की बतौर निगरा वजीर आजम तैनाती को सराहा। सहाफी ने सवाल किया, ट्रायल अख्तितामी मराहिल में दाखिल है, धरने के किरदार तो बता दें, जिस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि बता तो चुका हूँ और कितनी बार बताऊं, मेरा ख्याल है कि परवेज मुशर्रफ, असद दुर्रानी और शाहिद अजीज की किताबें देख ली जाएं और सब पता चल जाएगा। यासिर मलिक से इसी मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। यासिर बताइएगा इस गुफ्तगू में मजीद क्या कहा साबिक वजीर आजम? जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान वजीर आजम नासिर उल मुल्क जो है वो एक बेमिसाल शख्सियत के हामिल है, बतौर जज और चीफ जस्टिस उनकी खिदमात सर फहरिस्त है, उनकी तैनाती को सराहना चाहिए, नासिर उल मुल्क काबिल एहतराम आदमी है, सियासतदानों को तंग नजर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जब साफी की जानिब से सवाल किया गया कि ट्रायल इख्तितामी मराहिल में दाखिल है, धरने के किरदार का अभी तक आपने नहीं बताया, जिस पर उन्होंने कहा कि बता तो चुका हूँ कई मरतबा, कितनी मरतबा अब आप लोगों को बताऊं। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि मेरा ख्याल है कि परवेज मुशर्रफ की किताब, असद दुरानी की किताब और शाहिद अजीज की किताबें जो है वो देख लें, जरूरत इस समर की है कि अब इस चीज की तय तक पहुंचना होगा, एक नेशनल इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए, सिर्फ एक बंदे के खिलाफ इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा, ना होना चाहिए, मशावरत के साथ नेशनल इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए, कमीशन में अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट सबकी नुमाइंदगी हो। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि हमने कौम को डबोना नहीं। अब कैप्टन सफदर जो है उनका 342 का बयान शुरू हो चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र जो है वो 55 साल है, मैं गुज़िश्ता 10 सालों से MNA हूँ। और जो उन्होंने मजीद अपने बयान में ये भी कहा है कि जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो इस वक्त कैप्टन सफदर को छोड़कर वो यहाँ से रवाना हो गए हैं, और नवाज शरीफ मरियम नवाज की जानिब से कहा गया था जब वो इत्तेहाब अदालत में मौजूद थी कि तकरीबन 11 बजे के करीब वो पंजाब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अब इस वक्त जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज रवाना हुए तो जो नैब प्रोसिक्यूटर है सरदार मुजफ्फर, उनकी जानिब से कैप्टन सफदर को कहा गया कि आप बिल्कुल अकेले रह गए और मुझे ये देखकर दुख हो रहा है कि आपके पीछे 5 से 6 लोग खड़े कर दूं, जिस पर कैप्टन सफदर खामोश रहे और दोबारा से बयान जो है वो उनका रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। कैप्टन सफदर ने बयान कलम बंद करवाते हुए बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जेरे इल्तवा दरखास्तों को निपटाने के लिए JIT तश्कील दी, मुझे और मेरी अहलिया को 20 अप्रैल के फैसले में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत नहीं थी, मेरे पास में नहीं 5-6 लोग आपके पीछे जो है वो खड़े कर देता, नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि सफदर अपने जवाब जो हैं वो आज अदालत में पढ़कर सुना रहे हैं, और जैसे कि यासिर ने मंजरकशी की कि तमाम ही लोग जो कमरा अदालत में मौजूद थे वो जा चुके हैं, साबिक वजीर आजम, मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमा। तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यासिर आपने तफसीलात शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे कि यासिर ने कहा कि जब मरियम नवाज यहाँ से रुखसत हो रही थी, जा रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि वो 11 बजे पंजाब हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। जी हाँ बिल्कुल, वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं, 11 बजे का वक्त दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मरियम नवाज। देखना यह है कि किस हवाले से वो गुफ्तगू करती हैं, लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त सिनेरियो है काफी ज्यादा जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं मरियम नवाज, और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जलसों में भी जब वो खिताब कर रही हैं तो काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बना रही हैं मुखालिफीन को।
आपको बताएं कि वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। मुल्की सलामती और सरहदी सिक्योरिटी सूरतहाल पर इस इजलास में